नई नई चीजें बताएंगे बिल्कुल आपको, जैसे कि सैनिटाइजर में कुछ नहीं करेंगे उसमें, पिछली बार गया था मैं, हाँ हाँ, तो सैनिटाइज की 300 रुपए उसके एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, तो आपको बर्त लगे, मतलब किया कुछ नहीं उसमें, फालतू के थे आपके, फालतू के रुपए थे, शैम्पू घोर के उन्होंने बस ऐसे कर दिया, बस 300 रुपए ले लिए, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि ये फालतू का था। बिल्कुल बिल्कुल। और नमस्ते प्रदेश हरी बीड, आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी बलिनो के सामने, जो आप फ्रंट देख के साम समझ ही गए कि सिग्मा ब्रांडिंग के बलिनो का ये, और इसका ओनरशिप रूप भी देखेंगे कि भाई इनसे बात भी करेंगे, और ओनर भी साथ में हमारे इस बलिनो के, और इन और मतलब नई नवेली है ये, और नई नवेली कैसे मैं आपको भी समझाऊंगा कि इस गाड़ी को 8-9 महीने हो गए इस गाड़ी को, लेकिन ओनर ने बिल्कुल चलाई नहीं है, और शोरूम कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपके शोरूम से ऑनर से बात करवाता हूँ। मैग्मा कलर का ग्रे आप देख रहे हैं, और सबसे मतलब सेलिंग कलर यही यही है मैग बलिनो का, और कुछ बलिनो से मॉडिफिकेशन भी हो रखे हैं कस्टमर ने जो करा रखे हैं इसके। ऑनर से बात करवाते हैं, पूरा लुक दे देते हैं इसमें पूरा, और आपको दिखा देते हैं, और बात करते करते साथ में आपको इस चीज़ की सारी मैं आपको बताता रहूँगा कि कस्टमर ने क्या लगवाया और क्या नहीं लगवाया। ठीक है, आइए सर, ये हमारे ऑनर हैं बलिनो के। सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नरोत्तम कुशवाहा नाम है। नरोत्तम कुशवाहा जी, आपने कब ली थी इस कार को आपने? मैंने ये लॉकडाउन खुलते समय ही ले ली थी। अच्छा अच्छा, कितने की पड़ी आपको ये? ये मुझे लगभग करेक्ट तो मुझे नहीं पता, पर ये बेस मॉडल मुझे पड़ा था 7.5 तक का। 7.5 तक आपको पड़ गया था, मतलब बिट एक्सेसरीज वगैरह सारी चीज़ें लगा के? नहीं नहीं नहीं, वो अलग से लगवाई थी, वो आपने अलग से लगवाई थी। लगवाई, ठीक है, तो ये भी चीज़ हम बात करेंगे कि आपने क्या क्या लगवाया था। आपसे कुछ कंपनी से लगवाई थी जी, कुछ बाहर से लगवाई, बाहर से लगवाई थी, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्या क्या कंपनी से लगवाया था, मुझे बता सकते हैं आप एक बार? ये आप चाबी लीजिए, जैसे आप बता सकते हैं मुझे आपने बाहर से क्या क्या लगवाया था? फॉग लैंप जी, हाँ, और ये जो ये, हाँ, डोर बीडिंग मड फ्लैप ये आपने लगवाए थे, डोर बीडिंग भी लगवाई थी आपने, ये भी लगवाई थी आपने, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने लगवाए थे, ठीक है, और आपने कंपनी से क्या लगवाया था? बस यही लगवाई थी। अच्छा अच्छा, काफी कुछ करके दिया, मुझे इतना याद नहीं क्योंकि चलाता नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो आप वैसे रनिंग वगैरह आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, और ये चीजें आप उसमें, आप बहुत ही कम टाइम मिलता मुझे। ठीक है, इस कार के नेगेटिव क्या चीज़ है, मतलब अच्छाई और बुराइयाँ क्या है इस कार में, आप ही बता सकते हैं मुझे आप? इतना सर कभी पता नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने चला तो बहुत कम हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और मतलब और भी काफी गाड़ियाँ हैं, तो उस हिसाब से जैसे कि आप ऐसे कितनी चला चुके हैं वैसे मिनिमम? 3500 से कम ही चली है, मिनिमम 3200-300 चली होगी, मतलब इतनी चली है, मतलब गौर नहीं देता गाड़ी पे। अच्छा 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 अच्छा, चलो इनका थोड़ा फैमिली बिजनेस है, तो वो गाड़ियों पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ है, टाइम कम मिलता है। तो वैसे भी आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन और नहीं कराया अंदर से और बाहर से? ठीक है, और आप एक बार मुझे सही लगा मेरे हिसाब से उतना मैंने करा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको चलाने वगैरह में कैसा क्या फील है? बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छी चलती है। आपने से 3000 चला ली, 3000 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। शोरूम से प्रॉब्लम, सर्विस से प्रॉब्लम नहीं? मारुति सर्विस कैसी लगी आपको? ठीक ठाक ही है, बढ़िया है, मतलब जैसे अगर अच्छे संपर्क हो तो अच्छा वो करते हैं जी, वरना नई नई चीजें बताएंगे बिल्कुल आपको, जैसे कि सैनिटाइजर में कुछ नहीं करेंगे उसमें, पिछली बार गया था मैं, हाँ हाँ, तो सैनिटाइज की 300 रुपए उसके एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, तो आपको बर्त लगे, मतलब किया कुछ नहीं उसमें, फालतू के थे आपके, फालतू के रुपए थे, शैम्पू घोर के उन्होंने बस ऐसे कर दिया, बस 300 रुपए ले लिए, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि ये फालतू का था। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे आपको आउटर सेल सर्विस कैसी लगी मारुति की? आउटर सेल, आउटर सेल मतलब मैं समझ, मतलब आपको जहाँ कार लेते समय आप गए, आपको कैसा सेल्स ने कैसा रिएक्ट किया आपको? अच्छा रिएक्ट किया, मैं तो काफी जल्दबाजी में ही ली थी मैंने गाड़ी, मैं तो एक दिन पहले गया था और मैंने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ ले जाइए, ठीक है, और दूसरे दिन मैंने गाड़ी ले ली मेरे हाथ में, उन्होंने चाबी, तो आपको चाबी दे दी थी उन्होंने, ठीक है, तो आपने ये मतलब ठीक है। बिल्ड क्वालिटी कहना, क्या कहना है इस कार के? आ रहे बिल्ड क्वालिटी सब बढ़िया ही है, ठीक है, मतलब एक्सीलेंट नहीं है, बढ़िया ही है, नहीं है ना? एक्सीलेंट भी है। कैसे? ये है कि देखो जैसे कि किसी किसी का अच्छा रहता है, हाँ, किसी को एसयूवी ही पसंद है, हाँ, तो उस हिसाब से जैसे मुझे एसयूवी पसंद है, पर ये है कि मैंने कुछ
प्रॉब्लम की वजह से एसयूवी टाइप की नहीं। चलो वो उस टाइम पे लॉकडाउन में थी नहीं, बिल्कुल स्कॉर्पियो थी नहीं और विटारा ब्रेजा भी नहीं थी उस टाइम पे। जी जी, तो आपने ये बलिनो उस चक्कर में मैं जो मिला वही ले लिया आपने? जो मिला मुझे उस टाइम पे मुझे बहुत ही अर्जेंट में ली मैंने गाड़ी। अच्छा 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 अच्छा, मुझे गाड़ी लेनी। चलो मतलब आपने सारी गाड़ियाँ देखी, जो मिला आपने वही ले ली। इर्टिगा की भी मैंने सोचा, पर इर्टिगा मुझे ज्यादा अच्छी लगी, मैंने वो पार्टी वेयर गाड़ी हो गई। नहीं सही बात, जो टैक्सी में आती है वो जो प्रीमियम हैचबैक, आपको पता है कि प्रीमियम हैचबैक है। इर्टिगा कैंसिल की? हाँ इर्टिगा इसी चक्कर में मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि मतलब पार्टी वेयर हो गई है। इससे तो अच्छा आप डेल्टा या जेटा ले सकते थे बलिनो से। नहीं नहीं, वो फालतू का मतलब पैसा बर्बाद करना। अच्छा, पैसा जो आप चाहिए था वो आपने बाहर से मोटिवेशन करवाया। और जाना इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि जेटा या वो रहो। गाड़ी पूरी सेम है, उन्होंने बताया मुझे कि मतलब गाड़ी सारी दिखने में सेम है। हाँ हाँ, बस अंतर ये है कि थोड़ा मतलब अंदर से मोडिफिकेशन हो जाती है, बस, और बस। थोड़ा बाहर से हो जाती है। चलो अब अंदर से दिखाइए, अंदर से आपने क्या क्या लगाया इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टूडियो। स्टूडियो कैसा कैसा रिस्पांस है इसका? स्टूडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मैंने बाहर से बेस ट्यूब वगैरह सब मतलब अच्छा अच्छा अच्छी सी रखा है। तो आपको बेस ट्यूब दिखा देता हूँ एक बार, ये इसकी बेस ट्यूब है भाइयों, देख सकते हैं आप लोग। और काफी अच्छा इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है और बढ़िया वो किया है, आपने ये लगा रखा है। ठीक है, ये भैया बैठ चुके हैं और अब अंदर बैठ के बात करते हैं इनसे। ये आप म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं कि भाई इन्होंने एंड्रॉयड ऑटो मतलब फुल एंड्रॉयड मोबाइल स्टूडियो डलवाया इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं बस बलिनो में एक ही चीज खटकती है, आपको कभी टैकोमीटर का खटका है कि आपने इसमें ओनली स्पीडोमीटर और वो रेस वाला नहीं आता इसमें? आपको कभी लगा कि इसमें वो होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह सब बढ़िया है। वैसे क्या है, अपन लोग मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कितनी स्पीड है कितना। अच्छा, अपन अच्छा। अपने हिसाब से चलते हैं, जितना मुझे लगता है खाली रोड है तो अच्छे से चलाओ, और जैसे कि नहीं है तो थोड़ा अपने हिसाब से मतलब मैनेज कर लेते हैं, इतना ज्यादा वो नहीं पड़ता। ठीक है, ये इनका एंड्रॉइड सिस्टम, उसमें वो नहीं आता मिरर वगैरह, ग्लो बॉक्स वगैरह सारी चीजें। और साबिक सेमी डेल्टा वाला नहीं है इसमें, मिरर नहीं है इसमें। ठीक है, सब चीज मतलब डेल्टा वाला ही और कुछ नहीं, ऑटोमेटिक एसी नहीं आते। इसी का थ्रू आपको कैसा लगा इसमें? बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन है। अब इसमें एनसीएस का सॉन्ग सुनाइए आप एक बार, और आपको पंजाबी और हरियाणी गाना जो सुनना है मैं आपको वो भी सुनवा दूंगा। ठीक है, इसे आप यूट्यूब से हटा दीजिए, बस इसे बजा लेंगे, मोबाइल से बजा लेंगे। आप यूट्यूब हटा दीजिए, इसे बैक कर देते हैं। कहाँ से बैक? यहाँ से बैक होगा। ठीक है, ये इन्होंने यूट्यूब से बजाया गाना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और हरियाणी पंजाबी जो गाना सुना आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, मैं इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक बार साउंड सिस्टम सुनने ईयरफोन जरूर लगा लीजिए, बंद करते हैं भाई से और बात करते हैं। आपने से 3000 जो चलाई है, आप 3 किलोमीटर दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये 3200 मतलब 75 के समथिंग चल चुकी है। ठीक है, ये चल चुकी है। और आपको माइलेज वगैरह क्या देती है भैया? माइलेज वगैरह अच्छा दे देती है, जैसे कि 20 तक का निकाल देती है आराम से। ठीक है, आइए बाहर बात करते हैं। सेंटर लॉकिंग वगैरह लगवाई होगी इसमें? हाँ, सेंटर लॉकिंग वगैरह। कैसी सेंटर लॉकिंग लगवाई इसमें, आप बताना चाहिए एक बार? देखो इन्होंने ये सेंटर लॉकिंग लगाया, कैसा रिस्पॉन्स है इसका, इस सेंटर लॉकिंग का? अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। किस कंपनी? ये दूसरी चाबी है, ये पहली वाली चाबी का थोड़ा लेट रिस्पॉन्स था, तो उन्होंने बोला भैया ने कि आप इसको दूसरी चाबी का इस्तेमाल कीजिए, और जब दोनों हो जाएंगे, इसकी 3 साल की वारंटी है। इसकी किस कंपनी की है? अब ये मुझे पता नहीं है, पर ये मतलब जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको कैसा रिव्यू लगा भाई का? और काफी अच्छी बलिनो है ये, और आप जो भी हिसाब से समझ लें आप देख लेना। सिग्मा ब्रांड अगर जो बंदा लेता है, काफी इन्होंने पैसा बचाया अपना, अपने मिनिमम कितना पैसा बचा होगा आपको सिग्मा ब्रांड लेते समय? काफी पैसा बच गया, जैसे कि इसमें मैंने डीआरएल वगैरह भी लगवाई है, मतलब ये है कि मुझे टॉप मॉडल से अच्छा लग रहा है फिलहाल। टॉप मॉडल से अच्छा लग रहा है, ये जो ग्रिल है वो आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लगवा लेंगे। और ये जो लाइटें चेंज हो गई, ब्रांड वाली टॉप मॉडल की हो जाएंगी, कोई कमी नहीं बचती। मतलब कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं टॉप मॉडल लेके पछता नहीं रहा हूँ? तो भाई मैं टॉप मॉडल लेना था मुझे, काफी खुशी है कि मैंने 20 मॉडल लिया। काफी खुशी है आपको, चलो अच्छी बात है भाई। ये इनका अगर लेते हैं अपन तो सीधा 2.5 लाख तक जाता, मतलब आपने सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट कर लिए, अपने बचा लिए अपने। ठीक है, तो यही अपना ऑरेंज रिव्यू था भाइयों, और भी आपका करा देखने के रिव्यू शिव्यू के लिए अगर मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, अपने खुद आ सकते हैं मतलब रिव्यू देने के लिए प्लीज़। अगर मैं अगर आप नहीं आना चाहते मैं खुद आ जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा ऑरेंज रिव्यू था, वीडियो देने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।